तो जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल डिफेंस भर्ती पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। तो बिहार आर्मी रैली, ठीक है। तो आज बिहार आर्मी रैली के बारे में, पहले सरकार के बारे में बात करेंगे। सरकार हमारी क्या कर रही है, बिहार सरकार। तो भाई बिहार सरकार का मैं बता दूँ कि अभी नया नया गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है। शादी समारोह में इतना आदमी जाएगा, यहाँ उतना आदमी जाएगा, मास्क लगाओ, मास्क चेकिंग जो भी है सब हो रहा है, ठीक है। तो बिहार सरकार चुनाव के टाइम में इतना गाइडलाइंस जारी करती तब ना मानते कि आप सर आपने बहुत अच्छा काम किया, चुनाव के टाइम ने आपने गाइडलाइंस जारी किया। तो चुनाव के टाइम में इतने गाइडलाइंस जारी नहीं करते, हज़ारों संख्या भीड़ नहीं लगाते हैं तो मेरे को ये बात बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं भी कह सकता था कि हाँ भाई बिहार में नियम का बहुत सख्ती से पालन हो रहा है, तो यहाँ पे अभी बहाली नहीं आएगी, चाहे कोई भी भर्ती अभी नहीं आएगी। तो सर आपने ही ना तो सबसे पहले नियम कानून का ख़त्म कर दिया, आपने ही तो पालन नहीं किया। आप ही अपने चुनाव रैली में हज़ारों की संख्या में भीड़ लगाएं, और हमारी भर्ती जब आने वाली है तो उसको आप लोग पोस्ट डेट बढ़ा दे रहे हैं। भर्ती का कोई नामों निशान नहीं है, लड़का लोगों का उम्मीद लगा के रखा है कि सरकार नया बनाया है हमारा भर्ती देगा। सरकार से हम लोग उम्मीद लगा के हम लोग सब भाई बैठे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठंडा में साला हम लोग 4 बजे सुबह में निकल जा रहे हैं दौड़ने के लिए, कांप कांप के साला दौड़ रहे हैं, पैर तक घिस गया है दौड़ दौड़ के, साल मेहनत करके। ना कोई डेट है, ना ही कोई दिन है, ना ही कुछ है। बिहार सरकार खाली गाइडलाइंस आ रहा है, ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, खाली नियम हम लोग पालन करें, इसके सिवाय और कुछ हम लोग को मतलब करने ही नहीं आता है। भर्ती कोई ठिकाना नहीं है। अभी एक रिलेशन भर्ती हुआ भाई, हाल में रिलेशन भर्ती कराया गया, अब ओपन रैली भी निकाल दीजिए सर। कितना दिन हम लोग को झेलाइए, कितना रो लाइएगा, अब रो रो के तो हालत ख़राब हो गया है। तो भाई मैं आपको हो गया सरकार का हाल, क्या क्या गाइडलाइंस जारी किया हुआ है, कुछ छूट गया होगा तो माफ़ी चाहेंगे, और बताते हैं भर्ती के बारे में। तो भाई देखिए, सबसे पहले जो आपका भर्ती है, सबसे पहली भर्ती जो है आपका दानापुर आएगी, ठीक है, दानापुर। सेकेंड भर्ती मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सेकेंड भर्ती। थर्ड भर्ती जो आएगी आपका कटिहार आएगी, कटिहार। चौथी भर्ती आएगी आपका गया का। पहले जो है आपका सबसे पहले दानापुर ही निकलेगा, उसके बाद में मुजफ्फरपुर आएगा, फिर कटिहार आएगा, उसके बाद में गया वाले भाई का नंबर आएगा। तो उससे पहले दानापुर ही सबसे पहले निकलता है भाई, दानापुर निकले तब जाके कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है कि हाँ मुजफ्फरपुर चाहे गया या फिर कटिहार आएगा। और रहा बात गया वाले भाई लोगों का, तो गया का भाई भर्ती 2020 में हुआ था और उसको अभी हाल में उसका एग्ज़ाम हुआ, मेरिट आया है, तो गया का लास्ट में ही नंबर आएगा, पहले दानापुर ही आएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ, मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।